अनुपमा स्टार प्लस का वो सीरियल है जिसका हर दिन बस बना रहता है, और जाहिर सी बात है कि टीआरपी पर ये सीरियल अगर हमेशा टॉप पर बना रहता है तो इसका मतलब यही है कि लोगों को अनुपमा और उसके सभी कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। अभी रिसेंटली ही अनुपमा प्ले करने वाली रूपाली गांगुली को सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला, और उसी के साथ और दो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिले। 2023 की शुरुआत रूपाली के लिए कमाल की हुई है। अब इसी के बारे में इंटरव्यू में बात करते हुए रूपाली गांगुली ने कहा कि ऑडियंस ही उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है और ये अवार्ड्स ही उन्हें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जब पूछा गया कि आप ये अवार्ड्स किसको डेडिकेट करना चाहती है तो रूपाली ने काफी अलग जवाब देते हुए कहा कि इस शो के लाइट मैन, स्पॉट बॉयज, टेक्नीशियंस और पोस्ट प्रोडक्शन टीम है मेरी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब इस जवाब से रूपाली ने सबका दिल जीत लिया है। वैसे आपको बता दें कि अनुपमा का करंट ट्रैक हर दिन खबरों में बना रहता है। लोग माया, अनुज और अनुपमा के लव ट्रायंगल से एक्साइटेड भी है तो कुछ लोग अपसेट भी। बाकी आप बताइए आपका क्या कहना है अनुपमा के इस लव ट्रायंगल के बारे में, और साथ ही अपने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी रूपाली के लिए देना मत भूलिएगा।